हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रही है मैथमेटिक्स की, जो एलसीएम एचसीएफ है, पिछली जो क्लास जो नाइन्थवीं क्लास जो थी, नौवीं क्लास, उसमें हम लोग का नंबर सिस्टम सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और नंबर सिस्टम की एक क्लास बनानी है जो कि पूरी कॉम्बिनेशन वीडियो बनाई जाए, जो दो ढाई घंटे की होगी। तो पहले हम हर एक चैप्टर को पहले बेसिकली पढ़ लेते हैं। नंबर सिस्टम के सारे बेस को हमने देख रखा है, अब आते हैं एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। तो एलसीएम एचसीएफ जो होता है वो होता है क्या है, बिना एलसीएम एचसीएफ का समझिए कि एक भी ना वर्क एंड टाइम का आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ना पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और रही बात की जो रेशियो होता है, रेशियो अनुपात समानुपात, वो भी आपका पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है एलसीएम एचसीएफ पे। तो एलसीएम एचसीएफ जो होता है वो बेस है, जैसे नंबर सिस्टम किसी भी मैथमेटिक्स की बेस होती है, उसी तरीके से एलसीएम एचसीएफ भी बेस होता है। तो एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, ठीक। तो अगर एलसीएम की बात किया जाए, जो आज की टॉपिक है एलसीएम, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब होता है क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, मल्टीपल कहते किसे, आपको हमने नंबर सिस्टम के वीडियो में बना, नंबर सिस्टम जब क्लास चल रही थी उसमें आपको बताया गया था कि एक होता है फैक्टर होता है और एक होता है मल्टीपल, दोनों में अंतर क्या। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 15 की, तो 15 का जो मल्टीपल होगा और फैक्टर होगा उसमें अंतर क्या, तो फैक्टर जो होते हैं 15 जिन जिन संख्याओं से डिवाइड होगा उसको हम कहते हैं फैक्टर, जैसे कि 1 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए। और 15 की हम मल्टीपल की बात करें तो 15 का मल्टीपल मतलब 15 का गुणज होता है, फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड, गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। और मल्टीपल जो होता है वो कहलाता है आपका गुणज, हिंदी में कहलाता है गुणज। तो मल्टीपल होता है क्या, मल्टीपल जो होता है अगर 15 की बात करें तो 15 एकम 15 पहला मल्टीपल, 15 दूनी 30 यानी 52 जा 30, 53 जा की बात किए तो 45, ये आपके मल्टीपल यानी 15 के 3 मल्टीपल हो गए, 15, 30 और 45, ठीक है। तो ये मल्टीपल होता है और ये होता है फैक्टर, इसी के बेस पे हमारा क्या चलेगा, एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट चलता है। तो एलसीएम होता है क्या, मान लीजिए एलसीएम होता है क्या उसको पहले समझते हैं। तो अगर बात किया जाए 20, 15 और 25 का, अगर एलसीएम आपको निकालना है तो क्या किया जाए कि इसका एलसीएम हमें प्राप्त हो जाए। तो एलसीएम की डिफिनेशन होती है कि वह लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट मतलब छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे ये, जिसमें इन तीनों संख्या से अगर हम भाग दें तो पूरी की तरह पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, वो हमारी संख्या कहलाती है एलसीएम। मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर एलसीएम को समझना है तो एलसीएम हमेशा उस संख्या को ढूंढने को कहता है जो कि इन तीनों के टेबल में मौजूद होना चाहिए, तीनों के टेबल में वो क्या हो, मौजूद हो। अगर इसको, अगर हम एलसीएम की बात करें तो 25 से कटने वाली, 15 से भी कटने वाली और 20 से भी कट जाने वाली, डिवाइड होने वाली उस संख्या क्या है। तो देखिएगा 15 चौके 60 होता है, 21 को इजी कर लेते हैं, थोड़ा इजी बन जाएगा आपका, 30 कर देते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, 20 15 और 30 के टेबल में आने वाला पहला यानी लोवेस्ट सबसे छोटा संख्या क्या है, तो वो संख्या है 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तेई 60, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 60। कैसे निकला ये समझिएगा, 20 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है और 30 के टेबल में भी ये आता है। तो यानी पहली जो सबसे छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटी तो 60 ही होगी ना, पहली सबसे छोटी। अब 60 के बाद हम कहें कि सर क्या 60 दूनी हम 120 नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं भाई, 120 भी आपका क्या इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या ये छोटी से छोटी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, छोटी से छोटी कौन है, 60 है,
ठीक। तो ये आपका था एलसीएम का कॉन्सेप्ट, एंड डिफिनेशन कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, कट जाए, विभाजित हो जाए, वह आपका एलसीएम कहलाता है। ठीक, अब आते हैं एससीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या कहलाता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एलसीएम को देखिएगा, एलसीएम का हिंदी में कहें तो हम लसा भी कहते हैं, लसा, और अगर हिंदी में पूर्ण रूप से नाम लिखे तो लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, वर्तक, लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, यह एलसीएम। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन एफ से होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब अगर हिंदी में बात किया जाए तो एचसीएफ को कहते हैं मस, मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक, समापवर्तक। अब इसकी बात किया जाए तो ये होता क्या है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 20 भी था और 15 और 30 का हमने एलसीएम की बात किया, तो एलसीएम मतलब क्या हुआ, इसका हमने 60 निकाला था, ये क्या है, या इन तीनों से कटने वाली जो संख्या है वो कहलाई एलसीएम, इन तीनों से कटने वाली जो संख्या है वो एलसीएम कहलाई, और तीनों को काटने वाली संख्या यानी तीनों को, अब इस तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या एलसीएम कहलाती है, और इन तीनों को डिवाइड करने वाली संख्या कहलाती है एचसीएफ। यानी 20 को भी कौन डिवाइड कर देगा, 5 काट सकता है 4 बार में, 5 ही काट सकता है 3 बार में 15 को भी, और 5 ही काट सकता है 6 बार में 30 को भी, यानी कि वह कौन सी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, तो वो हमें पता चला 5। 5 क्या पता चला, 20 15 और 30 का एचसीएफ पता चल गया हमें 5 होगा। कैसे पता चला, क्योंकि एचसीएफ मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ में होती है बड़ी से बड़ी महत्तम यानी हाईएस्ट, और लघुत्तम में होती है छोटी से छोटी, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्या को क्या करे, डिवाइड कर दे, वो कहलाती है हमारी एचसीएफ। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल समझाते हैं आपको, हम एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे है। ठीक है, ये थी इसकी डिफिनेशन, यानी लघुत्तम की डिफिनेशन एलसीएम की, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए जितनी भी संख्या उससे वो डिवाइड हो जाए, कट जाए, वो कहलाती है आपकी एलसीएम, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, वो कहलाता है आपका एचसीएफ। अगर एलसीएम को समझना है तो बात समझ, एलसीएम को अगर देखें तो लकड़ी, लकड़ी जानते हैं, लकड़ी जो कटती है और आरा जो होता है वो लकड़ी को काट देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम को अगर समझना है तो समझिएगा, एलसीएम एल माने लकड़ी, एग्जांपल दिमाग में रखिएगा, दिमाग में अगर रखना हो तो लकड़ी, और एचसीएफ को रख दीजिएगा आरा। ठीक है, दिमाग में एक समझने की बात, आरा जो लकड़ी को क्या करती है, काट देती है। अब एलसीएम मतलब लकड़ी, और लकड़ी खुद कटती है, यानी जो भी एलसीएम होगा वो दिए गए संख्याओं से खुद कटेगा, और एचसीएफ जो होगा वो आरा है, उस संख्याओं को काटेगा। एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन हम तैयार किए 30, 45 और 60, 30, 45, 60 का एलसीएम व एचसीएफ क्या है, ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन तैयार। ठीक है, 30, 45, 60 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कैसे निकालते हैं समझिएगा, दो रूल होता है, पहला रूल जो होता है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, या फर्स्ट रूल लिख देते हैं, फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या है, पहला रूल है आपका फैक्टर विधि, पहला क्या होता है फैक्टर विधि, फैक्टर, फैक्टर रूल। ठीक है, फैक्टर रूल क्या होता है, फैक्टर रूल जो होता है वो दिए गए संख्याओं का फैक्टराइज कर दीजिए, आपका
आंसर निकल जाए। जैसे बचपन में लोग पढ़े थे कि जो 30 होता है वो किससे किससे कटता है भाई, तो 30 जिससे जिससे कटेगा लिखिए, 2 से कटा 15 बार में, फिर 3 से कटा 5 बार में, 5 से कटा 1 बार में, तो 2 3 6 5 30, 2 × 3 × 5 हो गया 45 की बात करें तो 45 जो होता है देखिए कैसे निकालते हैं, 45 होता है 3 से कटा पहले, तो 3 से 15 बार में कट गया ना 45, फिर 3 से कटा है 5, 5 से कटा दिए तो 3 × 3 × क्या मिला 5 मिल गया। 60 की बात किया जाए देखिएगा, 60 जो होता है वो किससे कटता है भाई, 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, 3 से 15, ये 5 बार में, 5 से 1 बार में, 2 × 4 = 12 × 5 = 60, तो 2 × 2 × 3 × 5 इन तीनों को मिला दीजिए, और जो जो कॉमन होता है एससीएफ का फुल फॉर्म आपको बताया हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर जो होता है ये देखिए, ये 30 के ये फैक्टर हो गए, 45 के ये फैक्टर हो गए, और 60 के ये फैक्टर हो गए, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है जो कॉमन हो तीनों में, ये 3 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है, और ये 3 यहां पर भी है, तीनों में 3 कितनी बार आया मैक्सिमम, तो एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, मैक्सिमम 3 कितनी बार आया, एक बार। और अगर बात किया जाए 5 कितनी बार आया, तो 5 यहां भी आया, यहां भी आया, और यहां भी आया, तो 5 भी शामिल हो गया, यानी इसका क्या हो गया 5 × 3 = 15। एचसीएफ तो आपको पता चल गया, एचसीएफ आपको पता चल गया, अब एचसीएफ आपको 15 मिल गया, किसका किसका, 30 15 और 60 का एचसीएफ आपको मिल गया 15। तो ये बताइए अब हम थोड़ा चेक करें क्या हमारा आंसर सही है, तो क्या 15 के टेबल में या 15 30 को काट नहीं सकता है, कितनी बार में काटेगा भाई, 2 बार में 15 × 2 = 30, 15 काटेगा 3 बार में, 15 × 3 = 45, और 15 60 को भी काटेगा 4 बार में, तो ये पता चला ना ये काट रहा है, और काटने का कार्य हमेशा कौन करता है, आरा करता है, यानी एचसीएफ करता है। तो ये जो था आपका एचसीएफ निकालने का रूल, क्या था कि सबका अलग अलग आप फैक्टर कर लीजिए, और जो जो कॉमन होता है उसको मिला के उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही आपका होता है एचसीएफ। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम की बात करते हैं। ठीक, एलसीएम, एलसीएम देखिएगा, इसका एलसीएम अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 30, 45 और 60। अभी हमने दिखाया आपको 30 का जो फैक्टर था वो क्या था, 2 × 3 = 6 × 5 = 30। 45 का क्या निकाले थे, 3 × 3 × 5, 3 × 3 = 9, 5 = 45। ठीक, 60 का निकाले थे हम लोग 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 = 4, 3 × 12 = 5 = 60। ठीक है, अब देखिएगा अभी हमने एचसीएफ की बात की, तो हमने क्या किया था एचसीएफ में जो जो कॉमन था हमने उसको उसको क्या किया था, ले लिया था, 3 3 मिल गया था और 5 5 मिल गया था। ठीक है, तो हमने 15 कर लिया, लेकिन अब एलसीएम की बात होगी, एलसीएम की बात हो रही है, एलसीएम भी हम इसी रूल से निकाल सकते हैं, हमें जरूरी नहीं कि हम वो डिविजन मेथड लगाए यहाँ पे। देखिएगा कैसे करते हैं, इस पूरी सीरीज में तीनों में 2 मैक्सिमम किस लाइन में आए, किस पंक्ति में आए, तो 2 देखिए यहाँ पे एक बार आया, इसमें एक भी बार नहीं, इसमें 2 बार आया, 2 2 बार आया, तो यहाँ पे 2 को 2 बार लिख दीजिए, बात समझिएगा, 3 मैक्सिमम कितनी बार आया, इसमें 1 बार आया, इसमें 2 बार आया, इसमें 1 बार आया, तो 3 मैक्सिमम कितनी बार आया है, इसमें 2 बार, तो 3 को हमने फिर 2 बार लिख दिया, समझिएगा। 5 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 5 केवल 1 बार आया है, किसी भी सीरीज में देख लीजिए 1 बार, तो 5 को सिर्फ 1 बार लिख दीजिए। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 × 2 = 4 × 3 = 12 × 12 = 5 = 60 और 60 × 6 = 180, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका 180। तो एलसीएम जो होता है वो 180 होता है, किसका, 30 45 और 60 का एलसीएम क्या हो गया, 180। अब हमने बताया कि एलसीएम जो होती है वो क्या होती है, लकड़ी होती है, और लकड़ी हमेशा कटती है। अभी हमने 15 निकाला, तो 15 इन तीनों को डिवाइड कर दिया, 15 × 2 = 30, 3 × 45 = 15 × 4 = 60, तीनों को डिवाइड किया, लेकिन अब क्या 180 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, नहीं, 180 खुद इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, अगर 30 की बात करें, 30 भी काटेगा कितनी बार में, 3 × 6 = 6 बार में, 180 की बात करते हैं 45 की, तो 45 को 4 बार में काटेगा। ठीक है, 60 की बात करते हैं, तो 180 60
तीन बार में ये भी डिवाइड करेगा। तो ये होता है लकड़ी, एलसीएम जो होती है वो लकड़ी होती है भाई, कटती है हमेशा। तो ये था एलसीएम एचसीएफ निकालने का पहला रूल, जिसको कहते हैं फैक्टर रूल। ठीक है, फैक्टर रूल, फैक्टर विधि है ये। ठीक है, गुणनखंड विधि। अब निकालेंगे डिवीजन विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिवीजन विधि से, डिवीजन जो होता है डिवीजन रूल, वो कैसे सॉल्व होता है देखिएगा। क्वेश्चन जो था उसी को लेते हैं, 20 था और 15 था और 30 था ना। ठीक है, नहीं था ये था 30 था 45 और 60, 30 45 और 60 था। ठीक है, देखिएगा अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं ये। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है वो डिवीजन रूल है, DIVISION। ठीक है, डिवीजन रूल सेकेंड कॉन्सेप्ट हमको निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो देखिएगा ये कई बार हम करते हैं, 30 45 60 क्या, देखिएगा तीनों संख्याओं को काटने वाली कोई संख्या मिले, बड़ी से बड़ी नंबर ढूंढ रहे हैं। तो पहले छोटा, दो से क्या तीनों कट रहा है, दो से तीनों नहीं कट रहा है, दो से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तीन से आते हैं, तीन से ये कट रहा है, तीन दहा में 30, तीन से ये भी, तीन से ये। तो पहला हमें मिल गया 3 मिला, दो से ये कट रहा था, दो से ये नहीं कट रहा क्योंकि इकाई डिजिट 5 है। तो ये कई बार में कटा, 3 से, 3 दहा में 30, ये 3 से 15 बार में, 15 तिया 45 और 3 से ये 20 बार में कट गया। समझिएगा, 3 से क्या ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जिससे डिवाइड होंगे उसी से डिवाइड करिएगा तभी आपका एचसीएफ निकल पाएगा। तो 3 से हमने पहले देख लिया, फिर क्या, क्या ये नंबर तीनों किसी एक संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो संख्या क्या है आपकी 5 है। तो 5 से कितनी बार में, 2 बार में, ये 3 बार में और ये 4 बार में। अब क्या ये तीनों नंबर किसी से एक संख्या से डिवाइड होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि देखिए 2 है 3 है 4, तीनों अलग अलग है। तो यहाँ पे जो 5 3 जा क्या होता है 50, ये आपका निकल गया HCF। हम डायरेक्ट चाहते तो 15 से तीनों को कटा सकते थे, हम चाहते तो यहाँ पे 30 45 और 60 को एक ही बार में क्या कहते कटा सकते थे, 15 रख के, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौके 60 डायरेक्ट हम कर सकते थे, लेकिन आपको हमने दिखाया 3 और 5 के रूप में ब्रेक करके। अब इसका अगर एलसीएम की बात करें तो ये आपका एचसीएफ तो यहीं पे निकल गया, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम कर तो आगे कंटिन्यू कर दीजिए, 2 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है। तो एक बार हम क्या करें, एक बार हम 2 से कटा ही लेते हैं एक बार और, तो 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, फिर एक बार 2 से और कटा लेते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, नहीं ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। अब कौन बचा भाई, अब बच गया 3, तो 3 से एक बार और कटा दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और ये 3 एक कम 3। देखिएगा गुणा करिए, 3 5 जा 50, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 तिहाई 180 होती है। ठीक है, तो क्या निकल गया 180, क्या निकला ये एलसीएम निकला, एलसीएम। ये रूल था आपका फैक्टर विधि कहलाता है, ये डिवीजन रूल कहलाता है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ निकालने में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। आते हैं टॉपिक के ऊपर, अब ये था कंसेप्ट, यानी जब भी एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करिए, उस संख्या को ढूंढिए जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, खुद डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ निकालना हो उस संख्या को ढूंढिए जो दिए गए संख्या को खुद डिवाइड करे। ठीक, अब आते हैं हम नंबर की, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए 20 और 25 का एचसीएफ तो क्या होगा, देखिएगा एचसीएफ की बात करें तो देखिए 20 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या क्या है भाई, 20 का हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 5 20, देखिए फैक्टर कर दिया हम। 25 का भी हम आपको बताए थे 5 गुणे 5, इसका HCF क्या होगा, HCF जो होगा वो होगा जो जो मैच कर रहा है, बस उसको मैच करा दीजिए, क्या दो दो मैच कर रहा है, नहीं 5 5 कर रहा है 5, तो HCF तो निकल गया आपका 5। LCM की बात करें, LCM देखिए कैसे निकलता है, 2 कितनी बार आया है तो मैक्सिमम 2 बार आया है, लिख दीजिए 2 2 बार, 5 कितनी बार मैक्सिमम, इसमें 1 बार और इसमें 2 बार, तो मैक्सिमम वाले को लिखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितनी बार आया, 2 बार, तो गुणा कर दीजिए 2 दूनी 4 5 20 5 100, ये क्या हो गया आपका LCM, निकल गया आपका LCM। LCM कितना निकल गया 100, HCF कितना निकल गया 5 निकल गया। तो देखिएगा क्या 20 और 25 को दोनों संख्याओं को 5 नहीं काट रहा है, काट रहा है ना, ये
पांच से दोनों संख्या कट जा रही है तो क्या इस सेफ आपका काट रहा है ना, तो ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। एलसीएम की बात करें तो 100 जो है दोनों से कट रही है कि नहीं, 20 पांच 100, 25 चौके 100, ये काटने ये कटने का काम कर रहा है, इसलिए हमने एलसीएम को लकड़ी कहा था, कट जाता है हमेशा, दोनों से कटेगा। अब इसका एक फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है, तो देखिएगा पहली संख्या, देखिएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई, ऐसे करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिएगा क्या है, ये पहली संख्या है, फर्स्ट को हम कहते हैं पहली संख्या, ठीक है, गुणे सेकेंड को कहते हैं दूसरी संख्या, बराबर क्या है एलसीएम गुणे एचसीएफ। कैसे ये आता है ये समझिएगा, ठीक है, कैसे आया ये, तो पहली संख्या क्या है आपकी 20 रख दीजिए, गुणे दूसरी संख्या क्या है 25 रख दीजिए, इधर एलसीएम क्या है, एलसीएम आपका है 100 रख दीजिए, एचसीएफ क्या है 5 रख दीजिए। देखिए क्या दोनों आपस में बराबर हो रहा है, दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या एचसीएफ एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, देखिए क्या है 25 में 0 का करेंगे तो 25 0 हो जाएगा, 25 दूनी 50, यहां देखिए 100 में 5 का करेंगे तो 500, क्या दोनों आपस में बराबर हैं, हाँ हैं। इसका पहला एक सूत्र आपको मिला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होती है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे आपके हर एग्जाम में इसी पे प्रश्न पूछता है, इसी के आधार पे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा, कैसे सॉल्व करेंगे, कोई पहली नंबर क्या देगा 20 तो बहुत इजी हो गया, 120 कर देते हैं, 125 कर देते हैं, यानी किसी दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे देगा, उसमें से आपको पहला नंबर दे देगा, कहेगा दूसरा नंबर फाइंड करके दिखाइए, इसके ऊपर हम एक आपको सॉल्व करके सवाल बताते हैं, ठीक है, तो आते हैं टाइप फर्स्ट के ऊपर, टाइप फर्स्ट, ये था कंसेप्ट, टाइप फर्स्ट पे आते हैं, टाइप फर्स्ट क्या है, इधर देखिए टाइप फर्स्ट में, देखिए हम टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है, यहीं से आपका टाइप स्टार्ट होता है, ठीक है, पहला टाइप, टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन, पहला टाइप क्या है, साधारण नंबर्स का जो हम एलसीएफ एचसीएफ निकालते हैं, आपको कहते हैं देखिए 30, 40, 60 का एलसीएम व एचसीएफ क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात कीजिए, लिखी देते हैं क्या करना आपको, ज्ञात कीजिए, ठीक है, कैसे निकालेंगे आप, एक बताते हैं टाइप फर्स्ट कंप्लीट करेंगे यहीं से, अभी आपको बताया जा चुका है दोनों रूल, 30, 40, 60, चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि फैक्टर रूल भी लगा सकते हैं, डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगे, हमें तो फैक्टर रूल इजी लगता है, आप भी कर सकते हैं, 30 का डिवाइड कैसे हम करते हैं, देखिए 2 से हुआ, एक करेंगे बाकी सब अपने से करिएगा, ये क्या हुआ, 2 से 15 बार में कटा, 3 से 5 बार में कटा, 3, 5, 50, 5 से 1 बार में, तो 2, 3 और 5 मिला, 40 का देखिएगा, 40 और 10 चौके 40 होता, तो देखिए यहाँ पे 40 कर देते हैं, 40, ठीक है, 40, 2 से कटा 20 बार, 2 से कटा 10, 2 से कटा 5, 5 से कटा 1, 2 दूनी 4, 2 8, 5 40, 2, 2, 5, 60 का देखिएगा, 2, 2, 4, 3, 12, 5, 60, ठीक है, आप भी करना जान जाएंगे डायरेक्ट, अगर आप पहले कंसेप्ट समझेंगे तब। अब कह रहे हैं इसका एचसीएफ क्या होगा भाई, एचसीएफ क्या होता है, जो जो मैच करता है, मैच कराइए, दो मैच किया, दो मैच क्या करा दिए, यहाँ पे दो दो है लेकिन यहाँ दो नहीं, तो दो नहीं छोड़े, अब तीन पे, तीन इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं मैच कराया, पांच पांच मैच किया, पांच को मैच कराइए, 2 और 5 क्या मिला, 10, एचसीएफ तो मिल गया, एचसीएफ देखिए जो मिला क्या काट रहा है तीनों को, 10 3 30, 10 4 40, 10 6 60, तीनों संख्याओं को एचसीएफ काट रहा है, यानी कि सही है। अब आते हैं एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम जो एलसीएम होती है,
एलसीएम मैक्सिमम दो कितनी बार आया, पहले दो से, तो मैक्सिमम दो दो बार आया, इसमें भी और इसमें इसमें एक बार, तो मैक्सिमम ले लीजिए दो गुणे दो। तीन कितनी बार आया मैक्सिमम, एक बार यहां एक बार यहां, तो एक ही बार लिखिए। पांच मैक्सिमम एक बार आया है, देखिए तीनों में, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दो दूनी चार ते बारह पांचे साठ, ये इसका एलसीएम हो गया, ठीक है, और ये इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो ये था टाइप फर्स्ट। इसको सेकेंड रूल से भी आपको बताया जा चुका है, अगर एलसीएम आपको निकालना होता तो आप एलसीएम कैसे निकालते, देखिएगा 30 40 60 30 40 60, ये वाला रूल आपको बताया जा चुका है। 10 से अगर डायरेक्ट 2 से कटे आप तो छोटे रूल से कटा सकते हैं, हम कैसे बताएं, देखिएगा 10 से डायरेक्ट कटे 10 30, 10 चौके 40 और 10 छके 60, हमने तो कटा दिया 10 से, तो क्या 10 के अलावा किसी सेम संख्या से तीनों कटने, तीन इसमें है, चार इसमें, छह इसमें, ये दोनों दो से कट, लेकिन ये दो से नहीं कट रहा है, ये तीन से कट रहा है, तो ये दो से, ये तीन से नहीं कट रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम बड़ी संख्या जो तीनों को काट देती वही कहलाती है आपकी एचसीएफ, तो यहां से भी एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम की बात करते हैं, देखिए तीन से कटा है तो कटाइए तीन से कितनी बार में, एक चार तीन दूनी छह, फिर देखिएगा ये दो है, दो एक दो एक, दो से कटा दीजिए एक एक एक, देखिएगा 10 30 30 दूनी 60, मिस्टेक हुआ कहीं, एक सेकेंड, 10 चौके 40, मिस्टेक हुआ यहाँ पे, जो ये जो फैक्टर था, देखिए हमने 40 का किया था तो दो दो दो, तीन बार दो था ना, तीन बार दो था, ठीक है, तो यहाँ पे तीन बार दो हो जाएगा एचसीएफ में, एलसीएम यहाँ पे, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा इसका आंसर, अब सही है, ठीक है, क्योंकि दो देखिए दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ पांच 40, मिस्टेक था यहाँ पे, तो देखिएगा 10 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120, इस तरीके से भी आपका एलसीएम क्या है, बराबर ही आता है। तो ये था आपका टाइप फर्स्ट पहला कंसेप्ट, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इसके सारे टाइप को यूं लगा देंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का सवाल इसका इसी बेस पे बनता है। जिसको एलसीएम एचसीएफ का बेस ही नहीं पता है वो आगे टाइप नहीं सॉल्व कर सकता है, तो इसीलिए आज ये पहला वीडियो सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर बनाया गया है, आगे इसकी पांच टाइप है, पांचों टाइप को आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।